हेलो एवरीवन, स्टॉप, थोड़ा सा सांस ले लो और मुझे भी लेने दो। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं भाई, पूरा मेरा ईमेल जीमेल पूरा भर गया है मैसेजेस से, व्हाट्सएप भर गया है के, और यूट्यूब पे भी जो मैंने वीडियो डाला है अभी उस पे भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अपने वीडियोस को प्राइवेट मत कर देना, वीडियोस स्टॉप मत कर देना बनाने एंड सो ऑन। भाई आप लोगों ने अभी तक मेरे को पहचाना नहीं है क्या? अगर मेरा कुछ ऐसा ही एम होता तो एक बात बताओ, मैं इतने लंबे टाइम तक टिक सकता था? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बना लेता वीडियोस। अगर मेरे को पैसे के पीछे भागना होता, 5-6 महीने के बाद अपने आप छोड़ देता, है ना? ऑब्वियसली आप भाई इतने तो समझदार हो कि मेरे पास कॉल्स नहीं आ रही होंगी क्या? दुनिया भर की कॉल्स आ रही है, ठीक है, जॉब्स की ओपनिंग बहुत ज्यादा आ रही है मेरे पास, बट मैं कहीं गया नहीं, गया ना? तो प्लीज इस बात को समझो, पैसे के पीछे भागना होता तो फिलहाल मैं पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए कमा चुका होता, लेकिन मैं इतना पैसे के पीछे नहीं भागता भाई। मेरे लॉन्ग टर्म गोल हैं, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। आपको क्या लग रहा है मेरे को अन अकेडमी वाले कुछ पैसे दे देंगे और मैं उन पैसों के लिए अपना चैनल बंद कर दूंगा? है, थोड़ा सा तो सोचो। प्राइवेट कर दूंगा वीडियोस को और अपने वीडियोस डालने बंद कर दूंगा चैनल पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। चाहे मैं वहां पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, मैं कोई इस टाइप से, मतलब इस तरह जो चैनल से रिलेटेड ना, मैं कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा, इस बात की एश्योरेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? मेरे अपने एथिक्स हैं, मैं मतलब मेरा कुछ जमीर है भाई, कोई बेस है जिसपे मैं खड़ा होता हूँ। एक्चुअली आप लोगों का कसूर नहीं है, आजकल एक्चुअली हवा ऐसी फैली हुई है ना, यूट्यूब पे आप देखते हैं बहुत टीचर्स होते हैं जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, मैं भी टीचर हूँ, वो भी टीचर्स हैं, रादर सभी टीचर्स हैं, है ना? तो मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन आप खुद समझदार हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना जो बेस है वो छोड़ दिया है ना, मतलब जिस पे वो खड़े होते हैं, जो उनका जमीर है वो बिक चुका है, मतलब क्या बोलूं मैं, है ना? तो आप लोगों का मैं नहीं कह रहा कि कसूर है, मतलब आप लोग देख रहे हैं इस तरह से जो हो रहा है लाइफ में, ऑब्वियस ही बात है भाई, जो आसपास हो रहा होगा, जो आप लोग देख रहे होंगे, वही आगे आप विजुअलाइज करोगे ना भाई। क्योंकि एक जैसे आपने देखा भाई, सीधी सी बात है, अगर आपने पेड़ देखा उस पर सारी पत्तियां हरी हैं तो आपके माइंड में बैठ गई कि सारी हरी होती है ना? कोई पीली पत्ती जब तक नजर नहीं आएगी तब तक आप थोड़ी कहोगे कि इसमें भी भाई येलो ना, येलो भी पत्ती होती है कोई, सारी ग्रीन ही नजर आएंगी ना आपको। ईच एंड एवरी लीव इज ग्रीन इन द ट्री, है ना? ये चीज आपको लगती रहेगी, जब तक येलो नहीं देखोगे तब तक कैसे पता लगेगा? तो वही चीज है भाई, सारी एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं, तो प्लीज उन सब की कैटेगरी में एटलीस्ट मेरे को मत रखो भाई। मैं आपको अभी जो प्रीवियस वीडियो बनाया है, मैंने वहां पे भी आपको अच्छे से अपना एम क्लियर किया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल वीडियोस वहां पे बना रहा हूँ, और अगर बाय चांस मैं टेक्निकल बनाता भी हूँ तो भी मैं कोई इस टाइप का लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा उन लोगों के साथ कि मेरा चैनल उनके पास चला जाए, या वो मेरे चैनल को कंट्रोल करें, है ना, या फिर वो मेरे को कहें कि वीडियोस डिलीट कर दो और मैं डिलीट कर दूंगा। नहीं होगा ऐसा कुछ भी, प्लीज मैं आप लोगों को एश्योरेंस दे रहा हूँ इस सब चीजों की, ठीक है? पैसे के पीछे भागना होता तो मैं बहुत पहले भाग चुका होता, लगभग 1.5-2 साल हो गए मेरे को वीडियोस डालते हुए। और आपको पता है भाई मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, और जो मतलब जिस तरीके से मतलब आप लोगों को टीच किया जाता है, सिर्फ शॉर्टकट्स और वो सब चीजें मैं हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मेरा विजन बहुत लॉन्ग है भाई, मतलब ब्रॉड विजन है मेरा। ऐसा विजन नहीं है कि कुछ पैसे के पीछे मैं अपने आप को बेच दूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, चलो थोड़ा सा मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में आज बताता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का आदमी हूँ मैं, ठीक है? 2012 में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, और जिस टाइम पे मैंने किया था ना, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम हुआ था, मतलब पहले यूजीसी नेट सब्जेक्टिव पेपर होता था, और ऑल ओवर इंडिया 1, 2 या 3, सिर्फ 4, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 स्टूडेंट निकलते थे ऑल ओवर इंडिया ईयरली, 3 से 4 लोगों का नेट क्वालिफाई होता था, बाकियों का नहीं हो पाता था। कारण ये था भाई, सब्जेक्टिव पेपर होता था। फिर लोगों यूजीसी ने सोचा भाई ऑब्जेक्टिव कर देते हैं ताकि कुछ लोग निकलना तो शुरू हुए। ऑब्जेक्टिव हुआ था, उसी टाइम हुआ था, और उसी टाइम पे मैंने क्वालिफाई किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 300 वैकेंसी थी और सिर्फ 150 नेट क्वालिफाइड लोग थे, उनमें से मैं एक था। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी सिलेक्शन तो होना था, पैर पकड़ पकड़ के ले रहे थे यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेज वाला कॉल करता था कि सर हम आपको परमानेंट करवा देंगे, एडहॉक पे लेते थे वो लोग, तो कॉल कर करके कहते थे कि सर हमारे पास आ जाओ, हम आपको परमानेंट करवा देंगे, ये है वो है, बहुत कॉल्स आती थी।
ठीक है। तो खैर जो भी था, मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया था, शायद आप लोगों ने फेसबुक अकाउंट पे देखा भी होगा, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इट वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस। मैंने वहां ज्वाइन किया था, बट वहां जाके मेरे को समझ में आ गया था भाई ये जगह मेरे लिए नहीं है ना, क्योंकि आई वॉज अ पैशनेट टीचर, मुझे पढ़ाना था, लेकिन वहां पे इतना लोग इंटरेस्टेड नहीं थे पढ़ने के लिए, क्योंकि पता है भी कॉलेज में कौन इतना पढ़ता है, इतना तो आप लोग भी जानते हैं है ना, आप भी बीटेक हैं तो पता है कौन कितना पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। तो ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते थे वहाँ पे, और सब टॉपर्स होते थे, 12th में 95% के अराउंड इनकी कट ऑफ होती थी कॉलेज की। तो जो बच्चा 95% ला रहा है 12th में, तो सोच लो अपने आप इंटेलिजेंट है ना, तो वो इतना पढ़ते वढ़ते नहीं थे, आखिरी में पढ़ के अपने आप पास हो जाते थे, मतलब नहीं सुनते थे मेरी, सिंपल बात बोलूं तो नहीं सुनते थे, रादर किसी टीचर की भी नहीं सुनते थे। तो ठीक है, अभी मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया है ना। फिर कोचिंग सेंटर्स में मैंने अप्लाई किया, तो एक कोचिंग में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, साथ साथ मैं एक और कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा था। तो कोचिंग में मेरे को एक्स अमाउंट मिल रहा था, और जिस जगह मैं गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा था ना, वहां पे मेरे को 2x मिल रहा था। बट मैंने ये एनालाइज कर लिया कि कोचिंग में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, मेरे को पढ़ाने में मजा भी आ रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। मैंने वो 2x इनकम छोड़ दी, कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया परमानेंटली, एक्स इनकम के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया। हुआ ये, 1.5 साल के अंदर अंदर स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा आ गए, बढ़ने शुरू हो गए, और मेरी इनकम एक्स से 5x हो गई। उस टाइम पे मैंने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा ना, मैं एक्स कमा रहा हूँ, 2x के पीछे जा रहा हूँ है ना, और 2x को मैं कमाने के लिए जाऊंगा तो मेरा एक किस्म से 3x कमा रहा था तो x पे आ गया है ना, 2 टाइम्स मैंने अपना लॉस कर दिया। ऐसे सोचता तो फिर तो मैं वहीं घूमता रहता, इधर x इधर 2x, सुबह यहाँ शाम को यहाँ, सारे दिन घूम के थक हार के घर घुसो सो जाओ अगले दिन उठो, ये सब करता रहता। मैंने नहीं सोचा ना ऐसे, थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग टर्म सोचा, मुझे था कि मैं यहाँ एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, तो अच्छी इनकम मैंने अर्न करनी स्टार्ट करी। ठीक है, वहां पे पढ़ाते पढ़ाते काफी टाइम बीत गया, और मैं बता देता हूँ आपको, शायद मैंने पहले भी बताया था, दिल्ली में जिया सराय में मैं पढ़ाता था। बहुत कोचिंग है, कोचिंग सी कोचिंग है वहां पे, ऐसे समझ लो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में जितनी शॉप्स होती है ना, ऐसे वहां पे कोचिंग है जगह जगह पे, मतलब एक शॉप से हर एक एक शॉप वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो आपको क्या लगता है मेरे को कॉल नहीं आती होंगी? बहुत कॉल्स आती थी, बहुत कोचिंग से कॉल आती थी, सर 1 घंटा दे जाओ हमारे यहाँ, 2 घंटे दे जाओ, आधा घंटा दे जाओ, एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस दे जाओ, उससे भी हमारा भला हो जाएगा। लेकिन मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर रखी थी, जो ऑनर था जिसमें मैं पढ़ा रहा था कोचिंग में, मैंने वहां कमिटमेंट कर रखी थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाऊंगा। तो मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, भागता तो ऐसा कर सकता था। और मैं आपको बताऊं, 3 घंटे की क्लास होती थी मेरी वहां पे है ना, 3 घंटे के बाद, सैटरडे संडे ज्यादा चलती थी, वीकेंड बैचेज होते थे, नॉर्मल डेज पे 3 घंटे की क्लास होती थी, और किसी किसी दिन क्लास भी नहीं होती थी, पर आवर बेसिस पे मैं चलता था। 3 घंटे की अगर मेरी क्लास है तो उसके बाद 1 घंटे के मेरे को अच्छे खासे पैसे मिलते थे, लेकिन अगर मेरे अंदर लालच होता तो मैं बाकी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा सकता था ना। 3 घंटे यहाँ पढ़ाए हैं, 1 घंटा वहाँ, 2 घंटे यहाँ, 1 घंटा वहाँ, 4-5 जगह पे पढ़ा के पूरा दिन अपना खूब पैसे कमाता, नहीं किया मैंने ऐसे, समझ रहे हो? तो इस टाइप का मेरा नेचर है भाई, पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागता। भागता तो उस टाइम बहुत कुछ अर्न कर लेता, और रादर मैं इतनी रेपुटेशन बना लेता और भी बहुत कुछ कर लेता है ना। इनफैक्ट जिस कोचिंग में पढ़ाता था वहां से भी काफी सारे टीचर जा जा करके अपना अपना इंस्टीट्यूट बना लेते थे। मतलब देखो, मैंने अपना जमीर कभी नहीं बेचा है ना, मैंने बहुत देखा है वहां पे। जब मैं जिया सराय में रहा हूँ, मैंने लगभग 7 ईयर्स वहां पे जॉब करी है, एक जगह भी मैंने अपना मतलब आंख उठा के नहीं देखा। फैक्ट बताऊं मैं, जब जिस एक गली होती थी, जिस गली को हम पार करके जाते थे अपने इंस्टीट्यूट में, जब मैं जा रहा होता था ना, तो इतने सारे लोग नजरे गड़ा के खड़े रहते थे कि एक बार ये हमसे नजर मिला ले, हम इसको बुला ले। मैंने किसी से नजर नहीं मिलाई 7 साल, मायने रखता है लाइफ में, 7 ईयर्स एक जगह पे मेरा कहीं नहीं गया। अगर ये जो ऑनर थे हमारे इंस्टीट्यूट के, अगर वो देख रहे होंगे तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। ओके, तो प्लीज इस बात को समझो, मैं पैसे के पीछे नहीं भागा और ना ही कभी लाइफ में भागूंगा, मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है भाई। मेरे को पता है मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुका हूँ, अपने मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इतना जाना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे मतलब यू कैन से धक्के सहे है ना, जिससे मुझे पता लग गया कि पैसा इतना नहीं मैटर करता। ठीक है, पैसा किस हद तक आप क्या कर लोगे, किसी की जिंदगी बचा लोगे पैसे से? नहीं ना, कि अपनी जिंदगी बचा लोगे? नहीं ना। तो क्या करना है फिर इतना पैसा? सोना एक जगह पे है, एक कमरे में सोना है आपको है ना, रोटी खानी है, उस ऊपर क्या कर लोगे आप बताओ?
भूख तो कभी खत्म होगी नहीं, है ना। आज आपने कोई गाड़ी खरीदी, मैंने आज मारुति 800 खरीदी, मेरे मेरे पड़ोसी ने कल को से कोई और अच्छी बड़ी गाड़ी खरीद ली, तो मैं उसके पीछे भाग गया, है ना। फिर उस मैंने वो खरीद ली तो उसने कोई और खरीद ली, मैं उसके पीछे भाग गया। कल को फिर वो मर्सिडीज ले आया, मैं ऑडी ले आया, मैं फिर वो कल को बेंटले ले आया, तो मैं कुछ और ऐसे पॉश ले आऊंगा, है। तो सारी उम्र ऐसे चलता रहेगा भाई, इसका कोई अंत थोड़ी है। कल को फिर वो हेलीकॉप्टर ले आएगा, फिर मैं जेट प्लेन ले आऊंगा अपना, इससे क्या हो जाएगा। खाऊंगा तो वही, सोऊंगा तो वही, है। तो प्लीज इस बात को समझो, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक कर रहा हूँ, मैं मतलब कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं सब बोलता चला जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री फ्री माइंड से, है ना। मैं सिर्फ आपको अपनी फिलॉसफी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जमीर है भाई, मेरा कोई बेस है जिसपे मैं खड़ा होता हूँ, ठीक है। कल को मेरे को भी ऊपर जाना है भगवान के पास, तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा कि पैसे के पीछे मैं इधर अपना जमीर बेचता फिरता रहा, नहीं, ठीक है। शायद आप देख रहे हैं दुनिया में ऐसा चल रहा है आज की डेट में, तो आप सबका दिमाग ऐसा चल रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, ठीक है। मेरी विजन मैं आपको बताता हूँ, मेरी विजन सिंपल ये है कि एटलीस्ट मैं जब पूरा ये गेट का सिलेबस यूट्यूब पे डाल दूंगा ना, तो आई थिंक आप भी समझ पा रहे होगे, इमेजिन कर पा रहे होगे, जो भी स्टूडेंट IIT में जाएगा उसको मेरे बारे में जरूर पता होगा कि अमित सर भी कोई है ना। और इनफैक्ट लगभग सभी स्टूडेंट्स पढ़ना की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल होगा तो जो चाहेगा वो पढ़ सकता है। तो एटलीस्ट गेट के लिए बच्चों को पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, जो हार्ड अर्न मनी है पेरेंट्स की वो कोचिंग पे और इन सब चीजों पे उनको खर्च नहीं करने पड़ेंगे, मेरी ये विजन है। और यूट्यूब तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा देती है उससे मेरा आराम से काम चलता रहेगा। तो अगर एक लॉन्ग टर्म गोल बना के चलूंगा, बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, ओके। ये कुछ पैसों के पीछे मैं अपने आप को बेच दूं, इस टाइप से मेरा नेचर नहीं है। तो आप लॉन्ग टर्म विजन आप मेरे समझ चुके हैं, तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस एंगल में सोच रहा हूँ, ये एंगल में नहीं सोच रहा कि अपना चैनल बेच दूं और कुछ कुछ करोड़ 2 करोड़ के पीछे अपने आप को बेच दूं, नहीं, ऐसा नेचर नहीं है मेरा, ठीक है। कि वो कोई पैसे देगा मेरे को, मैं अपना सब कुछ बेच दूं, नहीं, ठीक है। मेरा नेचर इस टाइप से है। अगर मैं आपको, आप ये सिंपल बात ये सोचो, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 1 करोड़ दे देता हूं, आप अपने हाथ काट के दो, काट के दे दोगे क्या? नहीं, मैं इस बात को समझो, ठीक है। तो अपने आप अपनी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है भाई, अपने आप को बेच दोगे किसी को सिर्फ पैसे के लिए? एटलीस्ट इस बात को समझो, पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, नो डाउट मैटर करता है, ठीक है, लेकिन एक हद तक। बेसिक नेसेसिटीज फ्रेंकली बोलू मेरी पूरी हो रही है, मेरे को क्या करना है भाई, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं भाई इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। एक मेरे को बस शेर याद आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेर जरूर डिस्कस करूंगा। बहुत लोग देखे हैं मैंने दुनिया में बड़े, है ना, बड़े लोगों से मैं बहुत मिला हूँ, बहुत लोगों को देखा है, बहुत मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना, ठीक है। तो जो भी बड़े लोग होते हैं ना, जो बहुत हाइट पे होते हैं, डार्क सीक्रेट सबके होते हैं, ठीक है। तो जो जितना बड़ा है सोचना नहीं चाहिए कि एक्चुअली में वो इतना बड़ा है, ठीक है। मतलब आई थिंक ज्यादा मैं बोलूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मैं कॉन्ट्रावर्सीज या किसी चीज में फंसना नहीं चाह रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो दैट्स इट, मैं इतना ही कहूंगा कि लास्ट में समरी में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा बेस है जिसपे मैं खड़ा होता हूँ, कोई जमीर है मेरा, ऐसे के पीछे मैं अपने आप को बेच दूं ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। चैनल मेरे बच्चे की तरह है, मेरा मेहमान बेबी है ना, आपको पता होगा, 2 साल का मेरा बेबी है, जितना उससे प्यार करता हूँ उतना ही मैं अपने चैनल से प्यार करता हूँ। तो कोई मेरे को कोई पैसे देगा तो मैं अपना बच्चा बेच दूंगा क्या किसी को? नहीं, नेवर, कभी भी ये वीडियोस प्राइवेट नहीं होंगे, और कभी भी मैं वीडियोस बनाना बंद नहीं करूंगा। मैं सांस तब लूंगा जब ये पूरा सिलेबस गेट का है वो सारा अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। और उसके बाद भी मैं सांस नहीं लूंगा, इंप्रूवमेंट्स करता रहूंगा धीरे धीरे हर चीज की। ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया और कुछ नहीं किया उसके बाद, नहीं, मैं इम्प्रूवमेंट्स इसमें करता रहूंगा। और यही मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट पहुंचे IIT में या जो भी गेट की तैयारी करनी स्टार्ट भी करें, उसको अमित सर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इस हद तक पॉपुलैरिटी में गेन कर सकता हूँ, करूंगा रादर आगे, तो फिर ऑब्वियसली मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, ठीक है। तो मेरे बड़े गोल्स हैं, कोई कुछ पैसे के पीछे मैं अपने आप को बेच दूं ऐसा नहीं है।
ठीक है, चलिए। तो अब आई थिंक मैंने अब आप सब लोगों को अश्योर कर दिया है, तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे को इस टाइप से मैसेज मत करो कि सर वीडियो प्राइवेट मत कर देना, वीडियो डिलीट मत कर देना, वीडियो बनाने बंद मत कर देना, प्लीज इस टाइप से मत सोचो। इस टाइप का मैं नहीं हूँ, शायद आप लोगों ने बहुत देखा है, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, आपका कसूर नहीं, आपने बहुत लोगों को देखा है कि इस टाइप से वो लोग करते हैं, बट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।